हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज सब्सक्राइब कर लो। ये है हमारे छोटे नवाब और आज की वीडियो होने वाली है इन छोटे नवाब का डेली रूटीन। तो इन छोटे नवाब का नाम है चैम्प। तो जो चैम्प है वो बेसिकली 2 मंथ्स का है, अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 2 मंथ्स का ही है। तो अगर आप पेट पेरेंट हो या न्यू पेट लिया है आपने, तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ी तो हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सुबह हो चुकी है और सुबह के बज चुके हैं 8 और हो चुका है चैम्प के ब्रेकफास्ट का टाइम। तो चैम्प अपने ब्रेकफास्ट में खाता है फ्रूट्स। आओ चैम्प, कम, सिट सिट, गुड बॉय। तो आज फ्रूट्स में मैंने इसको सुबह दिया है बनाना और चीकू, मैंने दोनों एक एक दिया है और उसको कट कर लिया है और अब हमारा चैम्प इसको खा रहा है मज़े से। और ये हो चुका है चैम्प का ब्रेकफास्ट बिल्कुल फिनिश। मतलब एक हैबिट हमारे चैम्प में बहुत ज़्यादा अच्छी है कि ये कुछ भी वेस्ट नहीं करता है, कुछ भी नहीं वेस्ट करता है। तो ये है चैम्प का कॉर्नर, यहाँ पर चैम्प की बहुत सारी पिक्चर्स लगी हुई हैं और चैम्प के ऑलमोस्ट टॉयज मैंने सारे यहाँ पर रख रखे हैं। वैसे तो चैम्प की पिक्स सारे ही रूम में लगे हैं, बट ये वाला कॉर्नर मैंने स्पेशली इसके लिए डेकोरेट किया था। तो फ्रूट्स देने के कुछ देर बाद ही मैं चैम्प को राइस, दही और उसमें एक एग देती हूँ जिसका मैं येलो पार्ट निकाल देती हूँ। और एज ऑलवेज ये भी ये बहुत ही ज़्यादा शौक से खाता है, तो मैं आपको दिखा। सिट 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 सिट, नो नो नो, सिट, गुड बॉय। और ये अब इसको भी शौक से ही खा रहा है एज ऑलवेज। तो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो बाउल होता है खाने का, तो उसके साइड में ना ये ऐसी रबड़ लगी आती है, तो आप ना थोड़ा ध्यान देना कि ना ये रबड़ आपसे खोए ना, क्योंकि मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि ये खो जाती है। इससे क्या होता है, जो बाउल होता है ना उसकी ग्रिप बनी रहती है ज़मीन पर, क्योंकि जब ये खाते हैं तो ना फोर्स बनता है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगती है, तो जो बर्तन है वो इधर उधर हो जाता है। तो इस रबड़ की वजह से वो इधर उधर नहीं होगा, वो ज़मीन पर फिक्स्ड हो जाए। तो अब चैम बिल्कुल रेडी है बाहर जाने के लिए, चलो। इसको वॉक पे जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। चले चैम, कम। चलो 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 चलो, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, चलो। तो खाना खिलाने के जस्ट बाद ही हमें अपने डॉग्स को या पेट्स को नीचे ले जाना चाहिए, ऐसी जगह जहाँ पे कोई ज़्यादा मतलब आए नहीं, ताकि ये अपना बिजनेस आराम से कर लें। बिजनेस मीन्स पी एंड पॉटी, एंड आई एम श्योर आपको ये नहीं देखना होगा, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं लिया है। उसके बाद थोड़ी सी रनिंग, बिकॉज ग्रोथ के लिए रनिंग तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कम 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 चैम्प, हाँ चैम्प ढाई महीने का हो गया। चलो चलो ये है चैम्प की पूरी अलमारी, यहाँ पे चैम्प के सब कुछ है, लाइक शैम्पू वगैरह। ये शैम्पू है, ये ड्राई शैम्पू है इसका विंटर्स के लिए, और पाउडर्स है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। ये चैम्प के थर्मामीटर्स जिससे इसका टेम्परेचर चेक होता है, और ये है इसकी डेंटास्टिक और बाकी सारी मेडिसिंस। ये ट्रीट्स, ये कैल्शियम बोन्स, अगेन ट्रीट्स, कैल्शियम बोन्स, और फिर उसके बाउल्स एंड ऑल। खाना खाने के बाद चैम को 2 सिरप दिए जाते हैं, जिसमें से एक है ये इम्यूनिटी सिरप होता है। इससे डॉग की इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है, और जब भी वो बीमार वगैरह पड़े तो वो जल्दी रिकवर हो जाता है। और मोस्टली वो जैसे नॉर्मल डॉग्स अगर बीमार हो जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ही बीमार हो जाते हैं, अगर ये सिरप चलती रहेगी तो उनमें ज़्यादा इम्यूनिटी रहेगी, ज़्यादा ताकत रहेगी उससे डील करने की, उसको सहन करने की जो भी डिजीज़ हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप कोई भी फूड खिलाओ बट उसके साथ इम्यूनिटी सिरप पिलाना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
तो ये इम्यूनिटी सिरप मैं उसको ऐसे ड्रॉपर में लेके 3 to 4 ml में चैम को पिलाती हूँ। हैव इट। गुड बॉय। सिट सिट। गुड। और फिर ये आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है लिवर की सिरप। ये तो जब से डॉग जब से वो 45 days का हो जाता है तब से लिवर की सिरप नॉन स्टॉप स्टार्ट हो जानी चाहिए, जो डेली बेसिस पे पिलानी चाहिए। मतलब इसका तो आप स्टॉक में पैक खरीद के रख लो, अगर ख़त्म हुआ तो आप 2-3 दिन का भी गैप मत करो। स्टॉक में रखोगे तो गैप नहीं होगा और फिर मतलब डॉग की हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। एक भी दिन का गैप नहीं होना चाहिए, डेली सुबह और शाम 2 times दोनों ही सिरप पिलाने होते हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। और ऑफकोर्स लिवर जो होते हैं डॉग्स के वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, तो मतलब इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा। ये फिर से मैंने इसको ड्रॉपर में ले लिया है। और लिवर की सिरप वेट के हिसाब से होता है, अभी चैम का वेट 7 to 8 kgs है, तो मैं इसको 6 to 7 ml पिलाऊंगी। सिट सिट। गुड बॉय गुड बॉय। उसके बाद डॉक्टर ने ये 2 supplements सजेस्ट किए थे जो इसको सुबह शाम ही देने होते हैं, बट ये खाने में मिला के देने होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सुबह और शाम सेरेलेक में मिला के इसको देती हूँ। ये सप्लीमेंट्स होते हैं जिससे इसकी बॉडी ऑब्वियसली बहुत अच्छी रहेगी और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी जाएगी। जैसे कि आप इसको देख रहे हो कि ये 2 months का कहीं से लग नहीं रहा है, क्योंकि 2 months के बच्चे का जो वेट होता है वो 3 kg होता है, बट चैम का वेट 7 to 8 kg है। इनफैक्ट इसकी हाइट भी अच्छी खासी बड़ी है। सो ये सब इसका कमाल है, सप्लीमेंट सारे। ये चैम की एक बहुत ही ज़्यादा बेकार आदत है कि ये बस मौका मिलते ही किचन में घुसता है और वहाँ से ये आलू निकाल के लेके आता है। दो, ये देखो मिला इसके मुँह से आलू और उसको ये चबाता रहता है। तो यहाँ पर ये किचन है और किचन की साइड मैंने ये वॉशिंग मशीन का कवर लगा रखा है और मैं इसको पूरा यहाँ से बंद कर देती हूँ ताकि ये छोटे साहब एंटर ना हो। ये एंटर होते पूरा तहस महस बचा देते हैं। तो चैम डेली 2 boiled eggs खाता है, जिसका येलो पार्ट मैं निकाल देती हूँ, उसको सिर्फ वाइट पार्ट देती हूँ जस्ट बिकॉज उसकी प्रोटीन के लिए। और ये भी है, नो नो सिट 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 फर्स्ट सिट। गुड बॉय। तो ये भी ये बहुत ही ज़्यादा शौक से खाता है। और चैम को पनीर भी बहुत ज़्यादा पसंद है जो वो डेली खाता है, बट आज मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। एंड फिर मैंने ये भी सोचा अगर मैं सारे ही मील्स का रिकॉर्ड कर लेती मे भी शायद ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ कवर कर दूँगी, मतलब अगली बार जब भी मैं शूट करूँगी चैम का पूरा डाइट प्रोसेस एंड ऑल एवरीथिंग। तो उसमें ये चैम इतनी बुरी सी शक्ल बना के बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी ट्रीट्स के लिए। ओके सिट सिट। गुड बॉय। यह है चैम की डेंटल स्टिक, बेसिकली इसको कोलगेट कह सकते हैं, इससे इसके टीथ बिल्कुल साफ रहेंगे और ये हाइजीन भी रहेगा। ओके सिट 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 सिट। गुड बॉय। ये सीधा भाग जाता है। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये देखो फुल रेस लगा दिए। और ये कुछ प्रोडक्ट्स आए मेरे कोलैबोरेशन के लिए, बट चैम को लगता है कि जितने भी पार्सल्स आए वो उसके हैं, तो वो उस पर कब्जा करके बैठ जाता है। तो चैम को मैं फूड में, डॉग फूड में, मैं उसको रॉयल कैनन देती हूँ, मैं उसको पेडिग्री या ट्रूल्स नहीं देती, क्योंकि मुझे मतलब मैंने जितना रिसर्च किया है तो रॉयल कैनन बेस्ट होता है इनकी ग्रोथ के लिए, और मुझे चैम की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी चाहिए। सो नो कॉम्प्रोमाइज़। कम कम कम। सिट सिट। इधर आके बैठो। सिट सिट सिट। गुड बॉय। मैं इसको जो फूड है वो गर्म पानी में नहीं देती हूँ, क्योंकि ये शुरू से ही नहीं खाता है वैसे, और मैं उसको वैसे करके देती थी गर्म पानी में सोख करके देती थी, बट फूड बहुत ही ज़्यादा वेस्ट होने लगा। तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया एंड देन ही सेड कि ड्राई फ्रूट
ड्राई फूड भी आप दे सकते हो। डॉक्टर से जब कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने ये बोला कि हाँ आप ड्राई फूड दे सकते हो, लेकिन उसके साथ आप इसको पानी ज़्यादा पिलाओगे। सो दैट्स वाई, मतलब ड्राई फ्रूट फूड वो खाता है बट उसके साथ पानी वो अच्छा खासा पीता है। सो इट्स ये है चैम का दूसरा प्यार, क्योंकि पहला प्यार तो मैं हूँ। ओके गाइस, सो अब चैम का सोने का टाइम हो गया है और चैम जैसे कि आप देख सकते हो अब वो नींद में है, तो इसलिए मैं भी थोड़ा सा धीरे बोल रही हूँ और अब इसको सुला देते हैं ब्लैंकेट उड़ा के। सो जाओ। ओके गाइस, सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।